दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। यहाँ हम हर दिन आपके लिए अलग अलग मेडिसिन की जानकारी लेकर आते हैं। आज हम एक नजल स्प्रे की जानकारी लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑट्रिविन ऑक्सी नजल स्प्रे। आज हम इस ऑट्रिविन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके यूजर्स के बारे में जानेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो जानेंगे, किसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए किसे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये भी जानेंगे और साथ में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों इस ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ में जो सॉल्ट मिला हुआ है वो है ऑक्सीमेटाजोलिन। ये ऑक्सीमेटाजोलिन एक नजल डीकंजेशन की तरह काम करता है। अगर हमारे नाक में होने वाले ब्लड वेसल सर्दी की वजह से या फिर एलर्जीज की वजह से सूज जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी नाक जाम हो सकती है, तो ये ऑक्सीमेटाजोलिन हमारे नाक में होने वाले ब्लड वेसल को नैरो करता है जिसकी वजह से हमारी नाक जाम की समस्या दूर हो जाती है और हमारी नाक खुल जाती है। चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं इस ऑट्रिविन के इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। इस ऑट्रिविन के उपयोग करने से जो सबसे पहला हमें फायदा मिलता है वो ये है कि ये एक डीकंजेशन की तरह काम करता है, हमें कंजेशन की प्रॉब्लम में हेल्प करता है। अगर हमारी नाक जाम हो जाती है साइनस की वजह से या कोल्ड की वजह से जाम हो जाती है या फिर किसी एलर्जीज की वजह से जाम हो जाती है तो ये हमारी नाक को खोलने में बहुत मदद करता है। इस ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ का इस्तेमाल दोस्तों तब भी किया जा सकता है जब हमारी नाक बहती है, बहुत ज्यादा नजल सिक्रेशन होता है या फिर हमारी नाक स्टफी हो जाती है, तब भी इस ऑट्रिविन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नाक बहने की समस्या को दूर करता है। सबसे अच्छा फायदा जो हमें इस नजल स्प्रे के इस्तेमाल करने से मिलता है वो ये है कि ये हमारी कंजेशन की समस्या या फिर नजल सिक्रेशन की समस्या को दूर करने में सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड लेता है और इसका असर जो है 12 घंटे तक रहता है। तो दोस्तों ये ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ हमारी नाक से संबंधित समस्या को दूर करने में काफी इफेक्टिव होता है। तो चलिए अब ये जानते हैं इस ऑट्रिविन का इस्तेमाल कैसे करना है। इस ऑट्रिविन ऑक्सी को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपनी नाक को अच्छे से साफ कर लेना है, फिर किसी जगह पे जाके आपको बैठ जाना है और जो भी आपकी नाक जाम है उसके नोस्ट्रिल में इसका नोजल को डालना है और इसको जोर से प्रेस करना है। फिर आपको कोशिश करना है कि उस नोस्ट्रिल से आपको 30 सेकंड तक सांस नहीं लेना है, वरना इसका सॉल्यूशन अगर आपके पेट में चला जाएगा तो इसका असर सही से देखने को नहीं मिलेगा। इस ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ को आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं 8 घंटे के इंटरवल पे। इसको 12 साल के ऊपर के व्यक्ति को दिया जा सकता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये ऑट्रिविन पीडियाट्रिक के नाम से आती है। अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसके बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आने की। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या है, हार्ट डिजीज की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या कोई व्यक्ति 2 हफ्तों से कोई एंटी डिप्रेसेंट लेता है तो उसको इस ऑट्रिविन ऑक्सी नजल स्प्रे का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस नजल स्प्रे को आपको 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर आपकी समस्या दूर ना हो तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों अब इस ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ के साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस नजल स्प्रे के इस्तेमाल करने से आपकी नाक में जलन हो सकती है, आपकी नाक ड्राई हो सकती है, आपकी नाक चुभ सकती है या फिर आपको छींके आ सकती है। अगर आपको कोई सीवियर साइड इफेक्ट इसके देखने को मिले या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले तो आपको इसका इस्तेमाल करना उसी समय रोक देना है और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है। इस 10 ml ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ की जो प्राइस है वो है 88 रूपए। समय और जगह के अनुसार इसकी प्राइस वैरी कर सकती है। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।